एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे ही सब स्टूडेंट्स का टेंशन भी बढ़ जाता है, और इसीलिए एग्जाम के समय मन को शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि एग्जाम के टाइम पे अपने आप को और खास करके अपने मन को कैसे शांत रखा जाए। म्यूजिक स्टडीज ने प्रूव किया है कि गाना सुनने से आपके आधे से ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है और आपको काम कर देता है। जैसे कि एग्जाम पास आने लगते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर से दूर हो जाने का। बट अगर दिन में स्टडी करते समय 10 मिनट ब्रेक लेके म्यूजिक सुनकर आप पढ़ाई चालू करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन करने में ज्यादा हेल्प होता है। स्पेशली मैथ्स या कैलकुलेशंस करते वक्त अगर म्यूजिक सुनेंगे तो सॉल्व करने में इफेक्टिव साबित होता है। मंकी स्ट्रेच टू रिलीज टेंशन। मंकी स्ट्रेच सुनकर फनी लगता है, पर सारे योगा पोस्चर्स और स्ट्रेचेस जानवरों से ही तो अडेप्टेड है। मंकी स्ट्रेच आपके स्टिफ मसल्स को लूज करता है। ज्यादातर बॉडी स्टिफ होने की वजह से बॉडी में लेजीनेस और नींद आती है, इसीलिए मंकी स्ट्रेच करने से आपका बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। गर्म पानी से नहाना। सबसे प्राचीन जापानी संस्कृतियों में माना जाता है कि गर्म पानी से नहाने से आपके सारे दर्द का इलाज हो जाता है। आजकल इसे मोस्ट स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक माना जाता है। फॉरेन में काम करने वाले लोग रोज शाम में घर आकर हॉट वाटर बाथ ही लेते हैं। वॉच फनी वीडियो। जैसे कि सभी जानते हैं कि फनी वीडियो देखने से आपके नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस सब में हेल्प करता है, तो एक या दो बार कॉमेडी वीडियो देखना बुरी बात नहीं है। डांस ऑन अ सॉफ्ट म्यूजिक। डांस करने से आपका रिलैक्सेशन और स्टिफनेस दूर होता है। बस गाने के हिसाब से अपनी बॉडी को मूव कीजिए। अगर आप बैड डांसर भी हो तो चलेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन में आप अपनी बॉडी को बस मूव करना है। दोस्तों से बात करना। आपके दोस्तों से बात करना भूलिए मत, क्योंकि दोस्तों से बातें करने पर आपका एग्जाम का डिप्रेशन और स्ट्रेस बाहर निकलता है, इसीलिए एक आध बार अपने फ्रेंड से बात कर लेना चाहिए। ले डाउन फॉर अ सेकेंड। दिन भर 3-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर लेट जाइए। माइंड फ्रेश करने के लिए 15-20 मिनट सोने से इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। स्क्रिबल ऑन प्लेन पेपर। पेपर पर स्क्रिबल करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो जब पढ़ पढ़ कर मन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ब्लैंक पेपर पर स्क्रिबल करके देखिए। फिल कलर इन कलरिंग बुक्स। कलरिंग बुक्स फिल करना भी एक तरीका है स्ट्रेस रिलीफ करने का। अगर आप बहुत नर्वस हो और माइंड क्लियर करना है तो कलर फिल करने से आपको अच्छा लगने लगेगा। ईट टिल योर हार्ट एक्सटेंड। जैसे कि एग्जाम के वक्त आप सब लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो खाना खाना भी भूल जाते हैं, इसीलिए जितना खाना है उतना खाइए, और हाँ स्लोली और आराम से खाइए ताकि इनडाइजेशन ना हो। तो देखा दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो एग्जाम के पहले। अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी एग्जाम अभी आ ही रही है तो आप ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।